नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज और मैं हूं आपके साथ नारायणी भट्ट। गुरुवार को मौजूदा मोदी सरकार की आखिरी फुल बजट पेश किया गया। इस बजट में अगले 14 महीने में देश में होने वाली लोकसभा समेत 14 चुनावों का इफेक्ट नजर आया। मिडिल क्लास के लिए ऐसा कोई ऐलान नहीं हुआ जिससे उसे टैक्स में फायदा मिले, लेकिन कांग्रेस के परंपरागत वोटों को साधने के मकसद से गरीब किसानों के लिए कुछ ऐलान हुआ। इनमें आयुष्मान भारत योजना शामिल है। इसके तहत 10 करोड़ परिवारों को हॉस्पिटलाइजेशन पर 5 लाख रुपए सालाना का हेल्थ कवर मिलेगा। इसका फायदा 40 से 50 करोड़ लोगों तक पहुंचेगा। वहीं किसानों को ध्यान में रखते हुए खरीफ की फसलों पर 1.5 गुना मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने की भी जेटली ने घोषणा की है। सरकार इनकम टैक्स में स्टैंडर्ड डिडक्शन से 8000 करोड़ रुपए तो गवाएगी, लेकिन हेल्थ और एजुकेशन पर 1% से बढ़ाकर 11000 करोड़ रुपए वसूल लेगी। एक नजर डालते हैं बजट में हमारी चिंताओं पर क्या दिखा। इनकम टैक्स स्लैब नहीं बदला। उम्मीद थी कि सरकार इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव करेगी ताकि मिडिल क्लास और नौकरी पेशे लोगों को फायदा हो, लेकिन स्लैब को बरकरार रखा गया। इससे देश के 4 करोड़ इंडिविजुअल टैक्स पेयर का निराश हुई। RSCC के तहत 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर इनकम टैक्स में छूट हासिल करने की लिमिट भी नहीं बढ़ाई गई। हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर 1% से बढ़ाया गया ताकि सरकार को 11000 करोड़ मिले। जी हाँ, एजुकेशन पर पर्सनल इनकम टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स के अंतर्गत पर 3% से लगता था, लेकिन अब 3% से की जगह हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर की फंडिंग के लिए 4% सेस लगेगा। इससे सरकार को 11000 करोड़ रुपए का एडिशनल रेवेन्यू मिलेगा। जहां एक तरफ पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई गई, उतना ही रोड सेस में बढ़ाई गई। अगर देखें तो सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 2 रुपए की बेसिक एक्साइज ड्यूटी कम की, तो वहीं 6 रुपए की एडिशनल एक्साइज ड्यूटी खत्म कर दी। लेकिन जहां आम आदमी को 8 रुपए की राहत दी गई है, तो वहीं सरकार ने 8 रुपए का रोड सेस लगा दिया है, जिससे दिखने वाली राहत बेराहत हो गई है। एक नजर स्टैंडर्ड डिडक्शन पर। करीब 12 साल बाद सरकार सैलरीड क्लास के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन लाई है। ये डिडक्शन 40000 रुपए का होगा, लेकिन इसे मेडिकल एक्सेस पर 15000 और ट्रेवलिंग अलाउंस पर 19200 रुपए की रिबेट के बदले लाया गया है। यानी जो डिडक्शन पहले 34200 रुपए का था, अब वह 40000 रुपए का होगा। कुल फायदा साल में केवल 5800 रुपए होगा। गरीब किसानों महिलाओं पर फोकस इसकी वजह हो सकती है 2018 में 14 राज्यों में चुनाव के, क्योंकि बीजेपी सरकार के पास अब लोकसभा चुनाव से पहले देश में अपने वर्चस्व कायम रखने के लिए 14 महीने हैं। एक नजर कब कहां है चुनाव। 2018 में कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में चुनाव होने हैं। वहीं 2019 के अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव होंगे। इसी के साथ आंध्र, तेलंगाना, उड़ीसा, अरुणाचल, सिक्किम के चुनाव होंगे। अभी लोकसभा में बीजेपी के बाकी 13 चुनाव राज्यों में से 7 में बीजेपी की सत्ता वाली एनडीए सरकार है। इन्हीं 14 चुनाव के मद्देनजर आम बजट में गरीब किसानों महिलाओं से जुड़े ऐलान किए गए। गरीब और किसान कांग्रेस के परंपरागत वोट माने जाते हैं। इस बजट में किसानों पर बीजेपी सरकार मेहरबान। अपने आम बजट में सरकार ने किसानों के लिए 22000 ग्रामीण हटों का ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट ग्राम में अपग्रेड करेगी। इन ग्राम्स को इलेक्ट्रॉनिकल ई नेम यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट से जोड़ा जाएगा। इससे किसान अपनी उपज को सीधे उपभोक्ता को बेच सकेंगे। इतना ही नहीं, इसके साथ इस बजट में किसान को रबी की फसलों की तरह खरीफ की फसलों पर भी फायदा होगा। जी हाँ, सरकार ने किसानों को उत्पादन लागत का 1.5 गुना ज्यादा न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने का ऐलान किया है। तो वही महिलाओं का भी रखा गया ध्यान। 8 करोड़ मुफ्त गैस कनेक्शन। सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए जाने का ऐलान किया। सौभाग्य योजना के तहत 4 करोड़ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दिए जाएंगे। फार्मा सेक्टर जॉब्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए ईपीएफ में महिलाओं की हिस्सेदारी पहले 3 सालों के लिए घटाकर 8% कर दी गई। वहीं नेशनल रूरल लिविंगहुड मिशन के लिए बजट में 5750 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। महिलाओं के स्व सहायता समूह के लिए 75000 करोड़ रुपए तक लोन भी बढ़ा दिया गया। सीनियर सिटीजन को दिया गया तोहफा। इस बजट में सरकार ने सीनियर सिटीजन को काफी ख्याल रखा है। प्रधानमंत्री व्यय वंदन योजना मार्च 2020 तक बढ़ाई जाएगी। इस योजना में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC सीनियर सिटीजन को 8% निश्चित रिटर्न देता है। स्कीम में सीनियर सिटीजन के इन्वेस्टमेंट की लिमिट 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख कर दी गई है।
तो वहीं बजट में सीनियर सिटीजन को डिपॉजिट पर मिलने वाले इंटरेस्ट पर छूट 10,000 से बढ़ाकर 50,000 सालाना कर दी गई। वहीं SCD के तहत हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर डिडक्शन की लिमिट थी 30,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दी गई। गंभीर बीमारियों के केस में डिडक्शन लिमिट 1,00,000 कर दी गई है। इसके साथ ही जेटली ने कहा, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेसस के मुताबिक सरकार हर बुजुर्ग, विधवा, अनाथ, बच्चे, वंचितों तक सरकार पहुंचने की कोशिश करेगी। इस साल नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम के तहत 9,975 करोड़ रुपए के बजट का ऐलान किया गया। राष्ट्रपति सांसदों की सैलरी में हुए इजाफा। वित्त मंत्री द्वारा इस बजट में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गवर्नर्स की सैलरी में बढ़ाए जाने का ऐलान किया। जहां राष्ट्रपति को अभी तक सैलरी 1.5 लाख मिलती थी, तो वहीं अब उन्हें 5,00,000 सैलरी दी जाएगी। वहीं उपराष्ट्रपति की सैलरी 1.2 लाख से बढ़ाकर 4,00,000 कर दी गई है। गवर्नर्स को 1.1 लाख के बजाय अब 3.5 लाख सैलरी देने का ऐलान किया गया है। तो वहीं सांसदों की सैलरी को लेकर बहस होती रही है। अब सांसदों की सैलरी हर 5 साल में रिवाइज की जाएगी। हालांकि ये रिविजन महंगाई को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। यात्रा को बनाया गया आसान। तो वहीं आम बजट में रेलवे को 1.48 लाख करोड़ रुपए दिए गए। लगातार चौथे साल किराए में बढ़ोतरी नहीं की गई। सामान की ढुलाई में तेजी लाने का वादा किया गया। सबसे ज्यादा फोकस सेफ्टी और ट्रैक मेंटेनेंस पर किया गया। इसके तहत देश की सभी नैरो गेज लाइनों में ब्रॉड गेज में बदला जाएगा। 4,267 अनमैन रेलवे क्रॉसिंग को बंद किया जाएगा। ट्रेनों में CCTV कैमरे फिट किए जाएंगे। प्लेटफॉर्म पर इनकी तादाद बढ़ाई जाएगी। रेलवे का ग्रॉस बजटरी सपोर्ट बढ़ाकर 3,00,000 करोड़ किया गया। हवाई यात्रा के लिए क्या सुविधा इस बजट में? जेटली ने कहा, 56 अनसर्व्ड एयरपोर्ट और 31 अनसर्व्ड हेलीपैड को उड़ान योजना के तहत कनेक्ट किया जाएगा। 16 ऐसे एयरपोर्ट पर ऑपरेशन पहले ही शुरू किए जा चुके हैं। एयरपोर्ट की कैपेसिटी को 5 गुना ज्यादा बढ़ाया जाएगा, ताकि आने वाले वक्त में 1 अरब सालाना उड़ानों को हैंडल किया जा सके। 3 साल में डोमेस्टिक एयर पैसेंजर ट्रैफिक 18% की दर से बढ़ा है। हमारी एयरलाइंस कंपनियों ने 900 नए एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है। रीजनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान पिछले साल लॉन्च हुई। इसके लिए अनसर्व्ड, अंडरसर्व्ड एयरपोर्ट्स को कनेक्ट करने की जरूरत है। साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए हवाई सफर मुहैया कराने की जरूरत है। उड़ान योजना से देश के हवाई चप्पल पहनने वाले लोगों भी हवाई जहाज में यात्रा कर रहे हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 124 एयरपोर्ट मैनेज करती है। एक नजर डिफेंस को क्या मिली सुविधा इस बजट में? डिफेंस बजट में इस साल महज 7.81% बढ़ोतरी की गई। डिफेंस के लिए 2018-19 में 2.95 लाख करोड़ रुपए अलॉट किए गए। डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ाने की इंडस्ट्री के प्रमोशन के लिए सरकार 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाएगी। इसके अलावा इंडस्ट्री के फेडरल मिलिट्री प्रोडक्शन पॉलिसी लाई जाएगी। इसमें 99,947 करोड़ रुपए के नए हथियार, एयरक्राफ्ट, वॉरशिप और दूसरे मिलिट्री हार्डवेयर खरीदे जाएंगे। अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इस बजट में जेटली ने कहा है कि देश के इकोनॉमिक के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ड्राइवर की तरह काम करता है। इसलिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट 1,00,000 करोड़ से ज्यादा बढ़ाकर 5.97 लाख करोड़ रुपए कर रहे हैं। हमारे देश को इस वक्त GDP ग्रोथ और रेल, रोड, एयर, इनलैंड, वाटर के जरिए देश के कनेक्ट करने का जरूरत है। इसके लिए करीब 50,00,000 करोड़ रुपए के बड़े इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इतना ही नहीं, वित्त मंत्री ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में प्रधानमंत्री ने खुद उसके लिए टारगेट और अचीवमेंट का रिव्यू किया है। ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम प्रगति के जरिए पता चलता है कि 9.46 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट फास्ट ट्रैक मोड पर शुरू हो चुके हैं। तो वही उन्होंने कहा कि भारत के दूर दराज और पिछड़े इलाकों को जोड़ा जाएगा और यह सब भारत के माल प्रोजेक्ट के तहत होगा। इसके पहले चरण के 5.45 लाख करोड़ की लागत से 35,000 किलोमीटर हवाई बनाए जाएंगे। इसके साथ साल 2018-19 तक 9,000 किलोमीटर तक नेशनल हाईवे पूरे हो जाएंगे। जहां सरकार के बजट से मध्यम वर्ग निराश है, तो वही किसके लिए 2018 आम बजट बना है खास, ये पूरी खबर दिखाई हमने आज आपको। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Thank you.